दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नोएक्स सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं स्नैपड्रैगन 870 20,000 के नीचे मिलेगा क्या? कभी ऐसा कोई स्मार्टफोन आएगा क्या जो 20,000 के नीचे आपको स्नैपड्रैगन 870 दे? पॉसिबली हो सकता है, वो भी ज्यादा नहीं, 2-3 महीने शायद आपको रुकना पड़े, मार्च अप्रैल तक। लॉन्च उससे पहले हो जाएगा चाइना में, एंड इंडिया में आपको मार्च अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। किसकी बात कर रहा हूं? चाइना में फरवरी के मंथ में एक सीरीज लॉन्च होने वाली है, वही K30 का सक्सेसर, K50 सीरीज। अब ये स्मार्टफोन रेडमी का तो हर साल लॉन्च होता है, ठीक है, जब से आ रहा तब से, एंड उसके जो रीब्रांडिंग होती है वो इंडिया में पोगो के नाम से होती है। अब K50 सीरीज में कहा जा रहा है 3 फोन्स, पहले से ऐसे लीक्स एंड रूमर्स थे कि 3 फोन आने वाले थे, जिसमें पहला जो सबसे बड़ा मेन जो था ना K50, ये आपको कहा जा रहा था कि डायमेंसिटी 900 के ऊपर आएगा, 9000 के ऊपर सॉरी। इसके बाद दूसरा वाला K50 प्रो था, जो कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 जो है उसके ऊपर आने वाला था, एंड एक छोटा वेरिएंट था K50 लाइट या किसी नाम से हो, देखेंगे, लेट्स सी कहा जा रहा है वैसे या किसी और नाम से हो जाए, वो स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर आने वाला है कहा जा रहा है ऐसा। एंड आज ये क्या हो गया कि गीकबेंच के ऊपर लिस्ट हो गया। अब गीकबेंच पे लिस्ट हो गया तो इससे पता चल गया कि 870 वाला स्मार्टफोन सच में आने वाला है, एंड इसके बारे में क्या न्यूज आ रहे हैं, ये स्मार्टफोन इंडिया में पोको F4 बन के आने वाला है। वैसे पोको F3 इंडिया तो आया नहीं था, लेकिन स्टिल F3 GT आया था, F3 नहीं आया था, लेकिन कहा जा रहा है कि ये वाला जो बेस वाला स्मार्टफोन है, वैसे तीनों आ सकते हैं, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, 50,000 के नीचे अगर लॉन्च होते हैं तो तीनों आ जाएंगे, वैसे उस प्राइसिंग में तो बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं। अब पोको के नाम के अंडर ही आएगा या किसी और नाम के अंडर आएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन पोको F4 जो होगा ना, जो स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर आने वाला है, कहा जा रहा है इसकी प्राइस आपको 20,000 के नीचे देखने को मिल सकती है। जैसे लास्ट टाइम पोको ने स्मार्टफोन लॉन्च किया था पोको X3 प्रो, याद है ना, स्नैपड्रैगन 865 के ऊपर, इस बार आपको स्नैपड्रैगन 870 5G चिपसेट के साथ पोको F4 लॉन्च होता दिख सकता है फरवरी में। जैसे मैंने कहा ये लॉन्च होगा चाइना में, उसके बाद मार्च या अप्रैल तक ये इंडिया में आएगा। 20,000 के नीचे कैसे लाएंगे? देखिए वैसे भी अगर Mi 11X की बात करोगे तो सारे सेल में ऑफर ऑफर लगा के 21,000 तक आई जाता है, अभी भी 10 तारीख तक तो था ही सेल जो चल रहा था उसमें, एंड इसमें कुछ चीजें कम की जाएंगी, एंड इसकी बेस वेरिएंट की जो प्राइस होगी 6GB 64GB या 6GB 128GB जो भी रहे, वो कहा जा रहा है 20,000 के नीचे होगा। पॉसिबली इसमें आपको IPS LCD का पैनल मिल सकता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, 50MP का ट्रिपल कैमरा होगा, एंड ज्यादा कुछ कैमराज में आपको फीचर्स ना मिले, डिसेंट सा कैमरा दे दे। इसके बाद 5000mAh की बैटरी, 33W वाला चार्जर, टाइप सी वाला पोर्ट, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है इसमें। इसके अलावा जो सेंसर्स रहेंगे साइड माउंटेड वाला रहेगा, एंड बाकी सारी चीजें। ऑब्वियसली सुपर एमुलेट इस प्राइस में एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से सुपर एमुलेट तो नहीं मिलने वाला है आपको इसमें, IPS LCD ही 120Hz वाला देखने को मिलेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या चार सारी चीजें लेकर आते हैं जो अभी तक न्यूज आ रहे हैं उससे पता चला। आज तो ये गीकबेंच पे लिस्ट हो गया है 870 के साथ, जो कि चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद पॉसिबली कहा जा रहा है 20,000 के नीचे इंडिया में भी ये आएगा। बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे ना 870 20,000 के नीचे आ पाया कि नहीं, तो मैं उस टाइम कहता था शायद चांसेस कम है कि आए, लेकिन आपको पॉसिबली, क्योंकि 870 अभी भी चलेगा, अभी खराब चिपसेट नहीं है पहली बात, एंड ये काफी टाइम तक चलेगा क्योंकि अच्छा चिपसेट है और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आता है, खराब अभी प्रॉब्लम हुआ नहीं इसमें, तो यूज करेंगे इसको लॉन्ग टाइम तक। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं, जैसे आएगा इन्फॉर्मेशन और बता दूंगा आपको, वेट करोगे नहीं इसका जरूर बता देना। अगर 20,000 में आपको स्नैपड्रैगन 870 के साथ IPS LCD का पैनल मिले तो आप लोग या नहीं 20,000 में जरूर बताना। कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, और साइड में देखो बैक टाइम जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सब कॉन्सेप्ट मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।